ग्राम बहल में शरारती तत्व द्वारा शिलान्यास पट्टिका तोड़ने का नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कमेटी ने कड़ा संज्ञान लिया है। नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भंगा ने बताया कि विकास खंड स्वर्गढ़ के तहत ग्राम पंचायत बेहल की छड़ियां बस्ती के लिए लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली संपर्क सड़क का शिलान्यास नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने वर्ष 2017 में किया था। उन्होंने बताया कि इस शिलान्यास पट्टिका को शरारती तत्वों द्वारा एक बार पहले भी तोड़ा गया था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उक्त शिलान्यास पट्टिका को लोनोबी के कर्मचारियों ने दोबारा लगाया, लेकिन शरारती तत्वों को शायद ये बात हजम नहीं हुई। उसी रात शरारती तत्वों ने पट्टिका को फिर तोड़ दिया। नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भंगा के प्रदेश सरकार को आग्रह करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार में क्षेत्र विकास कार्यों में सहयोग नहीं दिया जा रहा है तो इस तरह पूर्व में किया गया विकास कार्यों की पत्रिकाएं तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया। यदि 10 दिन के भीतर उक्त लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरकर कड़ा रुख अपनाने से गुरेज नहीं करेगी। आज हम ग्राम पंचायत बहल के जो हमारा संपर्क मार्ग गांव छड़िया बस्ती के लिए जिसका फाउंडेशन स्टोन आज से 2017 में हमारे माननीय विधायक श्री रामलाल ठाकुर जी ने जब वो प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन थे उस समय में इस छड़िया बस्ती के लिए ये संपर्क मार्ग करने जो बनाया गया है उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे लगा था। लेकिन ये एक बार ये पहले भी फाउंडेशन स्टोन शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ा गया और ये कल ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे जो हमारा फाउंडेशन स्टोन है द्वारा इस चबूतरे के ऊपर लगाया गया था और वो रात को लगभग 9:30 बजे के बीच इस फाउंडेशन स्टोन को शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सरकार के कार्यकर्ता इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाई गई पट्टिकाओं को तोड़ेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए और हमारे आपसी भाईचारे को जो ये इस प्रकार के कार्य करके ये कार्य अंजाम जिन लोगों ने दिया है। मैं विभाग से भी निवेदन करना चाहूंगा और सरकार से भी कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करी जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटित हो। यहाँ पे मेरे से पूर्व हमारे यहाँ पे जो हमारे केवल कृष्ण जी हैं उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी है कि उन्होंने उन व्यक्तियों दो व्यक्तियों के नाम उन्होंने स्पेशली लिए हैं जब इन्होंने कहा है कि उनके द्वारा इस पट्टिका को तोड़ा गया है तो मेरा पुलिस से भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इस प्रकार से अगर ये घटिया मानसिकता के लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं इन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। अगर ये कार्य नहीं होते हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतर जाएगी और पूर्वरोध करेंगी इनके नेताओं का भी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके द्वारा ऐसे उनके शहर देकर अगर इस प्रकार से किया जा रहा है तो बहुत ही घटिया यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि उनकी सोच है। मैं एक बार पुनः ये कहना सरकार से भी मेरी मांग है और स्थानीय हमारा जो जिला प्रशासन है उनसे भी मांग है कि जो भी इस प्रकार के कृत्य चाहे किसी भी विचारधारा के लोग हैं अगर उन्होंने इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया गया है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर एक 10 दिन के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यहाँ पे एक आंदोलन छेड़ेगी तो उसके लिए जिला प्रशासन और सरकार इसकी जिम्मेवार होगी।